पुछो यारो जिदे कोल बाप दा साया कोई नहीं अज शबे बरात लोकी घरां नूं जाण वेले कंजदे सिर ते मां कोई नहीं कब्रस्तान टुर आया होएगा जिदे सिर ते बाप कोई नहीं कब्रस्तान टुर आया होएगा अगो जनाबे वाला रमजान शरीफ आ रहा है अगो ईद उल फितर आएगी हाफिज़ साहब अलामा साहब तशरीफ फरमाणे लोकी ईद पढ़ के घरां नूं टुर आउणगे लेकिन जिदे सिर ते मां बाप कोई नहीं वह वड्डे कब्रस्तान वल टुर आया होएगा अकीदा तेरा कर ते करे तो अगर की लैन जा रहा है कहदा की दसा ओ मेरी मां ने डेरा कब्रस्तान लाया है ओ मेरे मां बाप ने डेरा कब्रस्तान लाया है ओ यारो ईद उल अदहा आउणी है लोकी आंदे ने ओए बकरा इक ते ठीक है दो तीन होर क्यों लैणी कहंदे कि नबी पाक दे नाम दा लिया है एक अपने बाप दे नाम ना लिया है मेरा बाबा कोई नहीं असी गरीबी का माहौल वेख्या है असी यारा वजे तक दिन उड़ीकते रहते कोई कुर्बानी करे तो साडे वल गोश कले हुण असी अमीर हो गया अल्लाह ने कोठिया दे दित्तिया ने पर बाबा ले गया है सिर ते बाप दा साया कोई नहीं कोठियां ते दरार ने बाबे दा साया कोई नहीं ए बेटा को भी कल सुल्तानी तशरीफ फरमाए तो यारो बाप सिर ते कोई नहीं बच्चा बैठा ये दी शादी ए दे नाल बड़े भाई दी शादी मैं वली में ते तकरीर कर रहा ते रोन लग पया हश्याक मुगल साहब इन्हां नूं चुप करवा रहे मैं क्या रोंदे क्यों आखिया अज कदी मेरे अबू जी आए अज वेख दे मेरे पोतियां दी शादी हो रही है ओ यारो गमी ते गमी रह गई अल्लाह दी कसम खुशी दे मौकियां ते भी पाप याद आउंदा मां दा वजूद याद आउंदा ओनू पुछो जड़ा घर जाए ओनू घर विच मां नजरी ना आए ओनू घर विच बाप नजरी ना आए अज दी रात जिनी मां नाराज ते ओदी बख्शिश नहीं जे आउणी ओ जिदा बाप नाराज है ओदी बख्शिश नहीं जे आउणी मुंडा लेट घर जा रहा है ओनू पुछिए घर लेट क्यों जाना है कहंदा की दसा जदों घर जाना मैनू अगों अपने बाप दी मंजी खाली नजर आउंदी है मैं कहना काश कदी मेरा अज बाप हुंदा मैं लादी कदम जे वड़दे जवानां नूं रोंदिया वेख्या है चढ़ो चिट्टी दाड़ी वाले बाबियां नूं पुछो तुसीं क्यों रो रहे हो इन्हां मेरे भाइयां नूं पुछो तुसीं क्यों रो रहे हो हर बंदा रोंदा है चलो तुसीं आपस विच मोहल्लेदार हो इन्हां नूं पुछो रोंदे क्यों मेरा बाबियां नूं कहांगा तुसीं ते दोतरिया ते पुत्रिया वाले तुसीं क्यों रो रहे हो आखणगे साडे दोतरे पुत्रे सानू अपने दुख सुना लेंदे ने लेकिन जदों असीं दुखी होंदे आ रात नूं सराहणे ते सिर रख के रो पैंदे आ कहिंदे आ अज कदी मेरी मां हुंदी अज कदी मेरा बाप हुंदा अज सीने ला के कहिंदा पुत्रा ना रो तेरे बाप दियां दुआवां तेरे नाल अज मेरी मां कहंदी पुत्रा ना रो तेरी मां दियां दुआवां तेरे नाल ने ओ यारो बंदा घर जाए मेरे अबू जी हजूर दुनिया तो चले गए चलो अबू दोरी ते नबी ने अब्दुल्ला बेटे ने पूछो पिछली शबे बरात भी जिस वेले मैं गया कुर्सी अबू जी हजूर दी हुंदी पई होई है उंदी कुर्सी उंदी उत्ते जनाबे वाला गद्दी रखी हुई उंदी तस्वीर लगी हुई है ओडे टा वाली डायरी भी कोल पई हुई है चंद किताबां भी मजहबी कोल पईयां होईयां ने ओ सीट नजर आउंदी है पर बाबा ही खिताबत नजर नहीं आउंदे
यारो जद असी खत्म ते जाईदा सी कहीदा सी अल्लाह दी रला किसे दा बाप टुर जाना कहना अल्लाह दी रला लेकिन पता उदो लगे जदो अपने कलेजे नू हाथ पै गया है जदो किसे ने आखिया अल्लाह दी रला असी चुप होने की बजाय उबाले लैके रोन लग पिया ओनू पुछो जिदा बाप गया है ओनू पुछो जिदी मां गई है ओनू पुछो जिनू बाप की नशिश खाली नजर आउंदी है वे बाप ला वे बाप ला बेटे अब्दुल्ला नु याद है पिछली शबे बरात ते सारे रो रहे हैं बरात आई है पर विछड़े नहीं आए दाते शबरात आया ते लोकी कराना ते मौत जनाना ले जा है सूफी खाला सुल्तानी साहब यतीम हाल जी अलामा अज़हर सुल्तानी साहब की मां चली गई इन्हां दे अब्बू जी चले गए आप इरफान साहब दे वलते गिरामी दुनिया तो चले गए केड़ी केड़ी गल करा यारो दुखिए दे दर्द नु दुखिए जान दे आप जान साहब दे वाल सब चले गए बड़ा शफीक शहजादा अल्लाह दी कसम कर जाओ बाप नजर ना आवे बंदे दा दिल नहीं लगदा वे बाप ला आउंदियां यादां आप बदर साहब फरमा रहे हैं थोड़ी जी तरमीम कर लो मैं बाबल कह रहा वो मेरे बाबा जी की गल करो बाबा जी आउंदियां यादां सानू तेरियां सोच गईयां रो रो के वे बाबला आंदियां यादा मैनू तेरिया कोई बंदा है साने निके निके बच्चे रो रहे जवान बुढ़े भी रो रहे लेकिन गल की यारो जदा बाप जाए चाचा कहना आ मैं तेनू बाबे वाला प्यार देवांगा अगर लभदा होवे जो कोई रोवे ना
मैं रियलिटी अर्ज करना, हाफिज इरफान साहब को बड़ा पता है, अजहर साहब को बड़ा पता है, मैं नाम नहीं लेंदा, अल्लाह गुरूर तकबर तो महफूज फरमाए, बड़े बड़े चोटी के उलामा आके गुनाहगार को तकरीर तैयारियां कर दे, कदी कदी जो मैं फस जाना उस वे आना अबू जी तुसी होंगे ना तुसा ते इंज कह पुत्रा को देर वाली गल ले। मैं पहली मरतबा जो बाहर गया तो एक बंदे ने मैं मौजू दे दिता कि आला हजरत और कुरान बयान करना, कुरान और आला हजरत। मैं अबू जी हजूर ने बारों कॉल की थी, तो मैं क्या मैं सोनापुर तकरीर करनी है, तो आओ ना मौजू दिता, तो आंदे ने कि गल 15-16 मिनट तैयारी करवा दी, आंदे ने ठीक है। तो जो मैं तकरीर करके वापस आया तो बंदे पता की आखन बाबे बाबे होंगे, उन्होंने पता से पिछे कोई बाबा है इनके पिछे कोई, फिर क्यों ना आखा वे बाबुला आदिया यादा मैनू तेरिया हुन मेरा दिल नहीं लगदा, हुन मेरा दिल नहीं लगदा, घर जावां मैनू बाप नहीं लभदा, हुन मेरा दिल नहीं लगदा, घर जावां मैनू बाप नहीं लभदा, ओ यारो ताया कहंदा नारो, चाचा कहंदा नारो, अच्छे लोग मौजूद ने लेकिन मैं ऐसे लोग वेखे ने जिन्हां ने रिश्ते कीते ने, जदों ही उन्हां दा भरा दुनिया तो चला गया है उन्हें रिश्ते ही तोड़ दिते, उन्हें आखिया से हूं धी का रिश्ता नहीं करना, पुत्र का रिश्ता नहीं करना, वजह की है कहते ने यतीम हो गए ने, हुन मेरा दिल नहीं लगदा, घर जावा मैनू बाप नहीं लभदा, सुन जायो गया मेरा वेड़ा सीने लावे मैनू केड़ा वे बाबला आंदियां यादा मैनू तेरिया वे बाबला आंदियां यादा मैनू तेरिया यारो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मां आमिना बीमार हो गया, आपने बरका बीबी नू नेड़े बुलाया, बरकत बीबी नू नेड़े बुलाया, उम्मे अमनू हफ़ज़त सुल्तानी नेड़े बुलाया, फरमाया ने उम्मे अमन मेरे जान दा वेला आ गया है, मेरा बेटा मुहम्मद मेरे जान तो बाद मेरे पुत्र दा ख्याल रखी, मेरे पुत्र दा ख्याल रखी, उत्तों आवाज आई वल्लाहु यमसिमुका मिनन सोनिया तेरा रखा मैं आपिया, जदों किसी की मां बीमार हो जाए पुत्र बड़ा प्यार करते, नाराज ना हो जाए, जे तुसी सारे ही रोंदे हो मां बाप की याद अंदर, पुत्र बड़ा ही प्यार करते ने मां नाल, लेकिन जदों मां बीमार होवे शादी शुदा भी धी होवे ना मैरिड बेटी भी, बाबा जी सरदार अली साहब वह भी अपना सब नाल छोटा बच्चा लैके ना तो मेके आ जाएगा, आके ना अपने भरावान नूं कहे कि मेडिसन तुसां ले आउणी है, अदवियात मुआलिज तबीबो हकीम तुसां, डॉक्टर तुसां ले आउणा है, रही गल मां की खिदमत की असि आ नहीं गई, वो मां के कोल ही बैठ गई, कदी इंज मथे ते हथ फेरन गई, कदी इंज करके चेहरे ते हथ फेरन गई, ते मां नाल मिठिया मिठिया गल्लां करन गई, ऐ मेरे बद्दे हाथ ने मैं तुहाडा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन रियलिटी अर्ज कर रहा और तुहानू रियलाइज करवा रहा कि कायनात विच अल्लाह रसूल तो बाद ये दो वजूद है जिहड़े बिला गर्द अपनी औलाद नाल प्यार करते हैं, जो धी आके कोल बैठ जाती है ना एक वेला आंदा है मां नूं बुलांदी है ते मां बोलदी नहीं,
अखां खोलदी नहीं। वो जाके ना अपने भरा नूं कहिंदी ए वीरा ए मां बोलदी कोई नहीं, अखां खोलदी कोई नहीं। वो जल्दी दे नाल आउंदा ते अपने मां दी हैजत ते कदाइया वेख के ना ते भैन नूं कहिंदा तू अंदर चली जा। धीआं कोले मंदर वेखे नहीं जांदे, अंदर जांदी थोड़ी देर तो बाद चमाई ते इक शीशी विच पानी लैके आउंदी। भरा कहिंदा फिर आ गई है। वो कहिंदी है वीरा मैनूं पता है मेरी मां दे जान दा वेला आ गया है, लेकिन जमजम का पानी है ते चमची तो आखी ते मैं अपनी मां दे मुंह विच संभाल के रखे सी जमजम का पानी ना पा लवा। भरा कहिंदा चल पा लै पा लै। और किबला जदों इंज करके मुंह विच पांदी है ना अद्धा पानी इधरों वग जांदा है, अद्धा पानी इधरों वग जांदा है। धी दियां ते चीखां ही निकल जांदियां ने। नाराज़ ना होना पुत्तर जिहड़े ने मापिआं दे माल दे वारस हुंदे ने। परदेसन धीआं मंजियां दीआं वारस हुंदियां ने, पावा फट के रोंदियां हुंदियां ने। जिहड़े वेले धीआं गुसल दे के कफना के चार पई ते लटा देन ते पुत्तर आके ना अपनी भैन नूं इंज करके हथ सिर ते रख के कहिंदे ने मैयत चुक लवीए। धीआं दिल ते हथ रख के कहिंदियां ने उठा लो। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਹਦ ਅੱਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇੰਜ ਮਾਂ ਦੀ ਡੜਬੜੀ ਜਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੂਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਡੋਲੀ ਗਈ, ਅਜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਯਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲਈ ਜਗੀ ਰਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਤੁਰਾਣੇ ਆਇਓ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲੂ ਹਾਈਨ ਮਈਏ ਤੁਨ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲੈਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਪਾਕ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕੀ ਰਵੇਗਾ। ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੁਲੀ ਤੂੰ ਤੁਗਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਸਾ ਪਾਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਯਤ ਕਿਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮਟੀ ਡਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਠੰਡੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਲੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਆਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੀਏ। ਜੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਚੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਬੋਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੰਮੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਨ ਸਫਾ ਆਲੀ ਮਨ ਫਕ ਅੰਨਮਾ ਸਫਾਹਨੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤਾ ਐਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਚੁੰਮੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਕਾਸਿਬੂ ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੈ। ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੁੱਢੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਟੂ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬੇਲੀਓ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਜੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ।
तो मैं दुआ भी करना मालिका जिन्हां दीआं मावां हयात ने तादेर हयात फरमा, तो जिन्हां दीआं मावां चलियां गईयां ने मौला उन्हां नूं करवट करवट जन्नतां नसीब फरमा। मेरी अम्मी जी हज़ूर अलील ने दुआ फरमा अल्लाह सेहत अता फरमाए। बल्कि मैं तो कहना हुंना खड़ी पल विच नसीबा कोई बाजे ना हरे जाए दुआ मंगो तुसी सारे किसे दी मान मर जाए दुआ मंगो तुसी सारे किसे दी मान